स्टूडेंट जीरो टू जेनेसिस सीरीज में ये आपका नाइन्थ वीडियो जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन पर बेस्ट कुछ बहुत अच्छे टिप्स। इस पर बेस्ट ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, ये इसका पार्ट सेकंड है जिसमें मैं आज आपको चार और नए ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसे चार नए रूल्स बताने वाला हूँ जो कि आपके ट्रांसलेशन में और राइटिंग स्किल में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इन रूल्स को आपको फॉलो करना है राइटिंग करते वक्त, स्पीकिंग करते वक्त और जो भी वर्क आप इंग्लिश में करते हैं उसमें आपको इन चारों रूल्स को अप्लाई करना है, क्योंकि चारों ऐसे रूल्स हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स आज जो चार ट्रांसलेशन के में रूल बताने वाला हूं उसमें सबसे पहला रूल है आपका फ्यूचर टेंस पर बेस्ड। जी स्टूडेंट, जब किसी फ्यूचर टेंस के आगे पॉइंट टू बी नोटेड, कम ऑन, जब किसी फ्यूचर टेंस के आगे इफ until, unless, as far as long as, before, after, अगर किसी future tense के आगे लगा हो तो आप लोगों को उस future tense को present tense में बनाना है। For example, जब आप किसी से कहोगे यदि आप सुनोगे तो आप सीखोगे, इस सेंटेंस को आप अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो इस सेंटेंस में यदि आप सुनोगे तो आप सीखोगे, इसमें दोनों सेंटेंस सुनोगे और सीखोगे आपके फ्यूचर टेंस के, लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो आपको कहना होगा इफ यू लिसन यू विल लर्न। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अगर आपने इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बोला कि इफ यू विल लिसन यू विल लर्न, सो लेट मी टेल यू कि ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर जब किसी फ्यूचर टेंस के आगे इफ अंटिल अनलेस, नो पॉइंट टू बी नोटेड, इफ अंटिल अनलेस, वेन एवर, वॉट एवर, एज लॉन्ग एज, एज सून एज, एज फॉर एज, बिफोर आफ्टर का उपयोग होता है तो वो जो फ्यूचर टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस में बन जाता है। चूंकि ये फ्यूचर सिंपल का था इसलिए ये आपका प्रेजेंट सिंपल में टेंस चेंज हो गया। मान लो अगर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का होता, इफ यू विल बी लिसनिंग You will be learning. तो ऐसी सिचुएशन में ये if you are listening में चेंज हो जाएगा, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन, जो आपको माइंड करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आई विल कम, मैं आऊंगा, बिफोर यू विल कम, राइट तो इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है? तो इस सेंटेंस के अंदर एरर ये है कि आई विल कम तो ठीक है, बिफोर यू विल कम नहीं होगा, बिफोर यू कम होगा। स्टूडेंट्स इस ट्रांसलेशन के जितने भी नियम और रूल मैं बता रहा हूं सभी ऑथेंटिक है और ये एंट्रेंस एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और इनमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। सो मैं इंसिस्ट करूंगा सारे रूल को आप नोट डाउन करके रखिए और राइटिंग स्किल में स्पेशली ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करते वक्त इनको एज इट इज आप फॉलो करें। दूसरी बात, गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू नहीं जाए आप। मैं कमेंट मैंने पढ़े, काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये सेंटेंस गूगल ट्रांसलेटर पर इस तरीके से बता रहा, तो भैया गूगल ट्रांसलेटर जो है उसका एल्गोरिदम अलग है, उसके पैटर्न अलग है, वो ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करता है, तो आई इंसिस्ट कि उसके अकॉर्डिंग नहीं आप चले, सही ग्रामर को फॉलो करें। भाई ट्रांसलेशन का दूसरा नियम है कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आए और उस प्रीपोजिशन के बाद में जब भी कोई वर्ब आती है तो याद रखना उसमें आईएनजी लगता है। इन शॉर्ट आपको जब भी कोई प्रीपोजिशन मिल रहा है तो उसके बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है तो आपको उसमें आईएनजी लगाना है। जैसे मैंने कहा बोलने में, इन स्पीकिंग, बोले बिना, विदाउट स्पीकिंग, बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग, बोलने के बाद, आफ्टर स्पीकिंग, राइट। जब भी कोई प्रीपोजिशन आ रही है और उस प्रीपोजिशन के बाद में जब भी कोई वर्ब आ रही है तो पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, आप लोगों को उसमें आईएनजी लगाना। जैसे आपने कहा सर मुझे बोलने में प्रॉब्लम है तो आप कहोगे आई हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग। ये देखिए आपने सेंटेंस में इन जो है आपकी प्रीपोजिशन है, इसके बाद में एक वर्ब को लगाया तो आपने उसमें क्या लगाया, आईएनजी लगाया। तो हमने क्या सीखा इस सेकंड रूल में, दूसरे रूल में, कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आ रही है उस प्रीपोजिशन के बाद में हमें जो है वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, जो आपको याद रखना है। टू इन्फिनिटिव जो होता है इसके बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैं आगे आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन अदर कोई भी प्रीपोजिशन अगर आपकी आ रही है तो उसके साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको माइंड करना है, जिसका उपयोग जो है बहुत ज्यादा होता है। हम और भी सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे मैंने कहा यहां से जाने के बाद मैंने उसे कॉल किया तो आई कॉल्ड हिम आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर। ये देखो आपने आफ्टर गो नहीं बोलना है, आपको आफ्टर गोइंग बोलना है। आई कॉल्ड हिम आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर,
मैंने उसे कॉल किया यहां से जाने के बाद में। तो आप देखिए आफ्टर के बाद हमने वर्ब में क्या लगाया, आईएनजी लगाया। ऐसे ही कहीं पर भी कोई भी प्रीपोजिशन आप लगा रहे हो, आपको बता दूं स्टूडेंट्स आफ्टर जो है बिफोर जो है आपके प्रीपोजिशन भी होते हैं कंजंक्शन भी होते हैं, राइट। तो याद रखें आप इससे पहले एक जो सेंटेंस मैंने बिफोर और आफ्टर का बनाया था उसमें आफ्टर और बिफोर जो था आपका एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा था, बट यहां पर आफ्टर जो है एज अ प्रीपोजिशन आपका वर्क कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको माइंड करना है। After speaking मतलब होता है के बाद, बोलने के बाद। Before speaking बोलने के पहले, आप इनकी हिंदी भी लिख लें ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। Without speaking बोले बिना, के बिना, बोलने में, right? तो इस तरीके से और भी काफी सारे आपकी प्रिपोशंस होती हैं, जैसे मैंने कहा while speaking बोलते वक्त, right? While talking बात करते वक्त, while writing लिखते वक्त, while running दौड़ते वक्त, इस तरीके से आप और भी प्रिपोशंस में यूज कर सकते। स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन का जो तीसरा नियम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो है टू इन्फिनेटिव का। जी हां स्टूडेंट्स, आपको टू का एंड नॉट टू का सही यूज करते आना चाहिए। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप इसको टेंसेस मॉडल्स टू भी डू है किसी के साथ भी। जैसे आपने कहा मैं यहां हूं, आई एम हियर, आपने कहा मैं यहां पढ़ाने के लिए हूं, आई एम हियर टू टीच, राइट। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपने कहा मैं यहां हूं लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं हूं, but not to teach, are you getting? You can see the visible difference between these two sentences. यहां पर हम लोगों ने टू का उपयोग किया है, टू टीच पढ़ाने के लिए, नॉट टू टीच पढ़ाने के लिए नहीं। सो आपको यह याद रखना है कि जब आप टू इन्फिनिटिव को कभी कभी नेगेटिव करते हैं तो टू इन्फिनिटिव में नेगेटिव जो होता है वो टू के पहले नॉट का उपयोग होता है, टू के बाद नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स इसमें एक मेजर मिस्टेक कर देते हैं, बट टू नॉट टीच कुछ इस तरीके से लिखकर आ जाते हैं जो कि गलत होता है, यह सही नहीं होता। टू के बाद नॉट नहीं लगता, टू के पहले लगता है जब टू इन्फिनिटिव को नेगेटिव किया जाता है। ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे आपने कहा आई कैन गो देयर, I can go there to help him. मैं वहां जा सकता हूं उसकी मदद करने के लिए। I can go there not to help him. मैं वहां जा सकता हूं उसकी मदद करने के लिए नहीं, but to do my work. But to do my work मतलब मेरा काम करने के लिए। मैं वहां जा सकता हूं उसकी मदद करने के लिए नहीं, मेरा काम करने के लिए। तो आप कहेंगे इंग्लिश में I can go there not to help him, but to do My walk, right? तो कुछ इस तरीके से आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कुछ इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप टू को और नॉट टू को यूज कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो विशेष ध्यान आपको ये देना है कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि टू के बाद में हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। दूसरी बात ये आपको याद रखनी कि टू के बाद में कभी नॉट नहीं लगता है, टू के पहले लगता है। और इसको आप कहीं भी भेजिए, जहां भी आप के लिए का मतलब देना चाहते हैं, टू इन्फिनिटिव को आप आग बन के यूज करके यूज कर सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगानी है। स्टूडेंट्स आज के वीडियो का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है किया होता। ये आप बोलेंगे ये क्या कोई रूल हुआ भाई, किया होता, गया होता, सुना होता, समझा होता। मतलब कि ऐसी सिचुएशन में हम जब सेंटेंसेस को बनाते हैं जहां पर लास्ट में ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जो हो जाती है, हुई होती तो ऐसा हो जाता। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, आप लोगों को वुड, वुड हैव का उपयोग करना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, या समझ में आया होता ये भी आप बोल सकते हो लास्ट में, इस सेंटेंस को लास्ट में अगर आप देखें तो ये जो सेंटेंस आया आपको समझ में आया होता, जब आप इसकी इंग्लिश करोगे तो आपको एक दिमाग में फिट कर लेना है कि आपको इसके साथ में वुड हैव लगाना है, यू वुड हैव अंडरस्टूड, राइट। ये कंडीशनल सेंटेंस है, चूंकि अभी तो मैं कंडीशनल सेंटेंस के थ्रू आपको एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन जहां भी आप कोई भी सिचुएशन में ऐसा बोले कि आप गए होते यू वुड हैव गॉन, आप आए होते यू वुड हैव कम, या आप आते यू वुड कम, आप बोलते यू वुड राइट, आप लिखते यू वुड राइट, आप समझते यू वुड अंडरस्टैंड, आप उसकी मदद करते यू वुड हेल्प हिम, अगर आप उसके दोस्त होते तो आप उसकी मदद करते, इफ यू वर हिज फ्रेंड आप उसकी मदद करते, यू वर यू वुड हेल्प हिम, You would
help him. तो आप इस सेंटेंस को केयरफुली देखिए ध्यान से. इफ यू वर हिज फ्रेंड यू वुड हेल्प हिम. यदि आप उसके दोस्त होते तो उसकी मदद करते. ऐसे ही यदि आपने सुना होता इफ यू हैड लिसन, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है. इफ यू हैड लिसन, इसमें ईडी लग जाएगा. इफ यू हैड लिसन यू वुड हैव अंडरस्टूड, यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता. इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ट्रांसलेशन के नियम में आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप कोई पास्ट की या कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में बताएं जो अगर हुई होती तो हो जाती या होता तो होती, ऐसी सिचुएशन को हमेशा वुड और वुड हैव से बताया जाता है. पॉइंट टू बी नोटेड. आप कहते हैं अगर आप ये कल खरीद लेते राइट, तो आज आपको पछताना नहीं पड़ता. अब देखिए पछताना पड़ता तो पछताने को बोलते हैं रिग्रेट, और जो भी काम करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हैज टू. तो इसका फ्यूचर में बनेगा वुड हैव टू. तो अगर आप ये कल खरीद लेते तो आज आपको पछताने नहीं पड़ता. तो एक नया एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, वुड हैव टू. तो ये वुड हैव टू इसमें लग जाएगा. मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पर वुड लगता है, वुड लगता है, वुड हैव लगता है, वुड हैव टू लगता है, वुड हैव बीन लगता है, राइट. मतलब वुड से ही संबंधित कोई भी चीज लगेगी. अगर आप इसे कल खरीद लेते, इफ यू हैड परचेस्ड इट यस्टरडे, या इफ यू बॉट इट यस्टरडे यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट टूडे. तो आज आपको पछताना नहीं पड़ता. तो इन शॉर्ट यहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, वुड हैव टू यूज कर रहे हो. तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन का जो फोर्थ रूल है वो रूल ये कहता है कि जब भी कहीं पर कोई काम हुआ होता, गया होता, सुना होता, समझा होता, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को वहां पर वुड हैव, वुड एंड वुड हैव टू का यूज करना होता है. इस पर बेस्ट स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाया जिसमें वुड के सारे यूजेस बताए हैं. यहां से आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को भी देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखा उस वीडियो का, वहां से भी उस वीडियो को देख लेना वुड के. तो सारे यूजेस आपको क्लियर हो जाएंगे और ये ट्रांसलेशन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा. सो स्टूडेंट्स ये जो चार टिप्स मैंने आज आपको दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि चारों टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे. इन चारों टिप्स के आप नोट्स बना लेना और इन चारों टिप्स को जब भी कोई राइटिंग वर्क करो या किसी चीज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो आपको इनको फॉलो करना है, और नॉट इन ट्रांसलेशन ओनली, आपको इनको स्पोकन में भी अप्लाई करना है ताकि आपके इंग्लिश सुनने में बहुत अच्छी लगे. फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में. तब तक ले डाटा बाय, जय.